इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। इस बीच इजराइल के सैन्य प्रमुख का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इजराइल सप्ताह के अंत तक ईरान द्वारा किए गए मिसाइल हमले का मुंहतोड़ जवाब देगा। उन्होंने हालांकि ये नहीं बताया कि अपने दुश्मन पर कब और कैसे कार्रवाई करेगा। इस बीच इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ईरान के परमाणु ठिकाने पर हमला किया जा सकता है। और इजराइल डिफेंस फोर्सेस के लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी ने इस जंग को लेकर कहा है कि इजराइल अब भी अपने कदमों पर विचार कर रहा है, लेकिन ईरानी मिसाइलों और हमलावर ड्रोनों के हमले का जवाब हमारी ओर से दिया जाएगा और वो भी बहुत अच्छे तरीके से। बता दें कि हलेवी ने नेवातीम हवाई अड्डे की यात्रा के दौरान उक्त बातें कही है। इजराइल का कहना है कि ईरानी हमले में नेवातीम हवाई अड्डे को क्षति पहुंची है। और इस बीच आपको बता दें कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन पूरी तरह से एक्टिव है। वे संभावित प्रतिक्रिया पर चर्चा करने के लिए शीर्ष अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। ईरान द्वारा सैकड़ों ड्रोन मिसाइलों के साथ साथ क्रूज मिसाइलों से किए गए हमले के बाद दुनिया भर के देशों के नेता इजराइल से जवाबी कार्रवाई नहीं करने की अपील कर रहे हैं। अब देखना है कि इजराइल अपने दुश्मन को कब और कैसे जवाब देता है, जिसके संकेत उसकी ओर से दिए गए हैं।